दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक बाइक की। इनमें मैंने प्रकाश भाई के साथ इंटरव्यू किया था और कुछ अच्छी खासी जो है वो हमने जानकारी ली थी। वैसे इन वीडियो में 1 लाख से आसपास व्यूज हैं और आपका अच्छा खासा इनमें सपोर्ट भी मिला। काफ़ी सारे आपने जो है वो इनमें कमेंट किए थे, सवाल पूछे थे कि भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो वीडियो में नहीं आई हैं, वो बाकी हैं। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इनकी लिंक जो हैं वो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उन वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। काफ़ी सारे मित्र पूछ रहे थे कि भी आप हमें इनकी फैक्ट्री दिखाओ, बाइक कैसे बनते हैं वो दिखाओ, उनके जो स्पेयर पार्ट हैं वो दिखाओ। तो भाई आज मैं आपको ले चलूँगा अहमदाबाद। इनसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दोस्त मुझे नहीं जानते हैं, बताना चाहता हूँ मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हैं देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अहमदाबाद। दोस्तों मैं आपको ले कर आ गया हूँ फैक्ट्री के गोदाम में। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हो केवल बाइक ही बाइक, बहुत सारे बाइक अभी स्टॉक में पड़े हुए हैं। इनको बोलते हैं फैक्ट्री। कुछ लोग बोलते हैं कि भी माल नहीं होता है, कैसी फैक्ट्री है, किस टाइप की हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो इतना माल रेडी है। ये सारे मॉडल हैं जो अभी भी बनकर तैयार हुए हैं। ये पूरी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है। काफ़ी सारे जितनी चाहो उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं आपको उनके कुछ स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो भी दिखाता हूँ। ये जो सारे स्पेयर पार्ट पड़े हुए हैं मैं और भी अंदर गोदाम में भी आपको दिखाता हूँ, इनके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो भी दिखाता हूँ। ये ऑफिस है, ये सारे स्पेयर पार्ट्स हैं। देखो ये भी पूरे सारे स्पेयर पार्ट हैं। तो दोस्तों अभी जितेश भाई हमारा जो कंपनी के जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं और यहाँ जो पूरा स्पेयर पार्ट भरा पड़ा हुआ है वो एक एक स्पेयर पार्ट के बारे में हमें कुछ बताएगा। जितेश भाई नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आप एक एक स्पेयर पार्ट के बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में भी कुछ बताइए। स्पेयर पार्ट में ऐसा है कि हम वहाँ से अपने जो भी स्कूटर होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ही करते हैं। जो इम्पोर्ट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सारा हम ही करते हैं। हम कहीं बाहर से आउटसोर्स करते नहीं हैं। तो जब भी कोई पार्ट चाहिए 2 साल 3 साल बाद तो हमारे पास अवेलेबल यहीं से मिल जाएगा उसको। हमारे कस्टमर को कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये स्टेनलेस स्टील की एसेसरी बनाई हुई है हमने स्पेशल स्कूटर के लिए। अब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इसको बेच के MRP के ऊपर भी कुछ कम मुनाफा कमा सकता है और ये गारंटीड वाली चीज़ है। ये यहाँ इंडिया में ही बनती है, बाकी सारा स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ से। तो वो सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएगी उनको। मतलब पूरा आप मैन्युफैक्चर अपने यहाँ होता है? जी जी, पूरा हम लोग यहीं से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो और भी कुछ हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर? जी, जैसे ये चेसिस है अपनी। जी, कुछ स्टॉक अच्छा। नीचे भी पड़ा हुआ है। जी, ये जैसे अपने स्कूटर के पार्ट्स है सीट का। जी, ये पूरे पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये बॉक्स के अंदर चार्जर्स पड़े हुए हैं सारे। जी, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही रहेगी हमारे पास। अच्छा, हमारे कस्टमर को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। कोई चीज़ ख़राब हो गई, बिगड़ गई, टूट गई, तो अगर उसे एक स्क्रू भी चाहिए तो हमारे यहाँ से उसे मिल जाएगा। हाँ। जैसे ये मीटर, गाड़ी के प्रॉब्लम बहुत आते हैं, अभी सबके मीटर सेट नहीं होते। जी, ये हमारी गाड़ियों के मीटर। जी, फुल स्टॉक अवेलेबल। तो मतलब ये जो बॉक्स पड़े हुए वो सारे के सारे स्पेयर पार्ट यहाँ से, पूरा स्पेयर पार्ट में है ये पूरा। जी जी जी, मीटर जो ये चीज है ना, इसमें ये एक बात बताना भूल गया, गाड़ी के पूरे 18 सेटिंग इसके अंदर होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर 18 सेटिंग होते, अगर ये मीटर गड़बड़ा गया तो आपकी गाड़ी कभी ठीक चलेगी नहीं। जी। ये सेटिंग के साथ जो कंप्लीट इंपोर्ट होता है मीटर, वही मीटर आपका जेन्युइन लगेगा। अगर आप इंडिया वाले कोई सेट करके लगाओगे तो गाड़ी ठीक से परफॉर्मेंस देगी ही नहीं। अच्छा,
हाँ, तो मतलब मीटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, और ये काफी लोगों को पता नहीं है, आज ये हम जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं। जी जी जी, और बाद में अगर किसी को मीटर चाहिए तो वो भी आपके पास से मिल जाएगा। मीटर हमारे कस्टमरों के लिए सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, कोई भी मिल जाएगी। जी 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 जी। अच्छा, और इसके अंदर कुछ पड़े हुए हैं? ये है साइड के गार्ड है। अच्छा, ये आगे की डिक्कियां हैं जी, जो बंद होती है, मतलब सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ भी। ये एक बैटरीज के केबल सारे। अच्छा, और ये गाड़ी के, ये फुट गार्ड। जी जी जी। फ्लैप जी, आगे वाला, आगे वाला जहाँ पे एलईडी लाइट लगती है। जी जी जी। ये मेरे क्रेजी मॉडल का है। ज्यादा करके हम लोगों ने पार्ट्स की अवेलेबल, ये एलॉय व्हील रहेगा जी, ये फ्रंट है, इसी के अंदर मोटर लग जाती है जी, और अपने स्कूटर में आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक लगती है। अच्छा, दोनों डिस्क ब्रेक। ट्यूबलेस टायर होते हैं, ट्यूबलेस टायर में हम लोग ब्रांडेड यूज करते हैं, जेके टायर्स, डनलॉप, फियाट, वही तीन कंपनी के टायर अपने लगते हैं, और कोई टायर अपने यूज करते नहीं अपनी गाड़ी के लिए। तो कस्टमरों के लिए जो ड्यूरेबिलिटी जो है उसका खास ध्यान रखा है हम लोगों ने। ये है आगे मडगार्ड है, अच्छा, ये आगे का, ये आगे का मडगार्ड है। तो सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है, कस्टमर, अपना कस्टमर कभी भी दुखी नहीं होगा। ये जो बॉक्स पड़े हुए, इन बॉक्स में क्या है? ये जो बॉक्स पड़े हुए हैं, ये सब के अंदर किसी में थ्रोटल है, फुट गार्ड है, ये कंट्रोलर है, सारी चीजें पड़ी हुई है अपने पास। मतलब दोस्तों, हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि भी पूरे स्पेयर पार्ट इनके पास अवेलेबल हैं और यहाँ से ही सब माल बनता है। ये भी गाड़ी का आगे का, ये गाड़ी का हेडलाइट, ये गाड़ी के बैकलाइट लगे हुए, हाँ, बैकलाइट है। ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है, फुल स्टॉक में एनी टाइम। ये जो मेरा पीछे का साइड फ्लैप क्रेजी गाड़ी का, ये है, और ये सारे प्रॉपर एबीएस प्लास्टिक के बने हुए जिसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। ये जो अभी आपने पार्ट देखा ना, ये लाइट लगा के साथ है। जी जी जी, ये पूरा एलईडी सा है, पूरा एलईडी लाइट लगा हुआ है जी, इसके साथ है, फिटिंग अटैचमेंट के साथ जी। दोस्तों, ये काफी प्रॉब्लम आती है थ्रोटल की जी, इसे थ्रोटल बोलते हैं जी, ये एक्सीलेटर, हाँ, एक्सीलेटर वाला है। ये है, ये भी पूरा अवेलेबल है सारा अपने पास, ये इस तरफ का सारा माल वही है अपना जो आप देख सकते हैं। वो केबल है सारे, ये जो एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी के रिमोट जी, सायरन, अच्छा, ये सारा वही है, ये सब पूरा मटेरियल जी, पूरा मटेरियल उसका है ये जी। ये उड़ी बाबा का क्रेजी प्रो मॉडल है, आप देख रहे हो इस टाइप का, ये टेस्ट मॉडल है। देखो, ये चालू भी होता है यहाँ, देखो सब कुछ कम्प्लीटली है, ये लाइट इनकी सारी ऑन ऑफ सब कुछ होती है, हॉर्न वगैरह सब कुछ बिल्कुल। देखो आप डिस्प्ले भी देख सकते हो, आप डिस्प्ले दिखा दो जरा, ये डिस्प्ले है। तो इस टाइप का पूरा मॉडल है। तो अब दोस्त जीतेश भाई हमारे साथ हैं और इन स्कूटर के बारे में सब कुछ हम जानकर इनके पास से लेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये बताइए, मान लीजिए किसी को बिजनेस करना है गुजरात के बाहर हो या कोई भी स्टेट में हो, तो क्या पूरे स्टेट में, मतलब पूरे भारत में कहीं पर भी डीलरशिप इनकी दी जा सकती है? जी, पूरे भारत में डिलीवरी दी जाती है, अंडमान निको में भी दी गई है हमारी डिलीवरी यहाँ से, तो वहाँ तक गाड़ियाँ गई हुई है अपनी। अच्छा, तो अब मान लो किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है ये,
तो कैसे करेगा, मतलब क्या करना होगा इनको? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो हमसे जैसे संपर्क करेगा तो जो भी चीज़ें जैसे लगती है कि डीलरशिप में एग्रीमेंट साइन होगा उनके साथ हमारा, उसके लिए कंपनी कुछ नॉमिनल डिपॉजिट चार्ज करती है वो लेगी, उसके बदले में उसको जो मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ये सारे मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी उनके लिए, जो खर्चा उनको करना नहीं है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को। अच्छा। वो कंपनी पूरा खर्चा खुद ही उठाएगी। अच्छा, मतलब कंपनी पूरा मार्केटिंग का खर्चा कंपनी करेगी जी। तो उसके बाद उनको गाड़ियाँ, ऐसा भी नहीं है हमारी तरफ से कि उनको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 15 पीस लेना है, 12 पीस लेना है, 25 पीस लेना है, वैसे भी नहीं है। अगर वो दो गाड़ी से भी अगर छोटा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बन के काम शुरू करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं। हाँ, टर्नओवर पे हम लोगों का ज्यादा फोकस है और क्वालिटी पे। तो जितना टर्नओवर ज्यादा रहेगा उतना बंदा ज्यादा कमाएगा, उतनी गाड़ियाँ मार्केट में ज्यादा दिखेगी। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी फायदा कारक है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, और वैसे मार्केट में इस टाइप की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो बहुत है, मगर आप में गाड़ी में और दूसरे मार्केट में जो अवेलेबल मॉडल है इनमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंस में ऐसा है कि जो हमने गाड़ी में क्वालिटी यूज करी है और जो हम लोग बता रहे हैं वो दोनों सेम है। जैसे हमारी गाड़ियों में मोटर लगी हुई है 1000 वॉट की, तो 1000 वॉट की ही मोटर लगी हुई है, और जो गाड़ी में 1500 प्लस की मोटर लगी हुई है उसमें 1500 प्लस की मोटर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं 800 की लगा के 1000 बता रहा हूँ या 1200 की लगा के 1500 बता रहा हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं किया है हम लोगों ने। जो फाइबर क्वालिटी है वो भी ABS प्लास्टिक जो होता है, जो एक ग्रेड क्वालिटी, वो सारा यूज करा हुआ है। टायर्स भी जो है वो ब्रांडेड कंपनी, जैसे मैंने पहले बताया ऐसे सियाट के, TVS के, डनलोप के, वही टायर भी यूज होते हैं। तो ये सारे क्वालिटी पर्पस में ध्यान रखा गया है ताकि ये जो मैक्सिमम जो अपना कस्टमर ले सकता है उसको इसका गाड़ी का यूज कम से कम खर्चे में करता रहे। गारंटी वारंटी की बात करें तो वो क्या है, गारंटी में ऐसा है कि बैटरी, मोटर और इसके साथ में जो कंट्रोलर है उसकी 1 साल की हम लोग गारंटी देते हैं लीड एसिड जेल बेस्ड बैटरी में, जबकि हमारे पास लिथियम बैटरी भी अवेलेबल है सारी। अगर लिथियम रही तो उसके ऊपर 3 साल की गारंटी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी पूरी है हमारे साथ। और मान लो किसी को अगर स्टार्ट करना है तो कम से कम कितने बीच में करके स्टार्ट कर सकते हैं? कम से कम वो मैं बोलो 2 से 2.5 लाख में वो स्टार्ट कर सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट में ज़्यादा नहीं चाहिए, मिनिमम 10x10 की भी जगह हो तो भी वो इन्वेस्ट करके चालू कर सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आने वाले दिनों में इन बिजनेस का बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है, क्योंकि जब जमाना आएगा तो ये जमाना इसी का ही है भाई, इलेक्ट्रिक बाइक का ही जमाना है। तो आने वाले जमाने में भी इनका बहुत ही अच्छा भविष्य है, तो वो आपके लिए स्कोप इनमें अच्छे हैं। और दूसरा, आपकी बाइक की कोई खास बात है जो आप बताना चाहते हो? पेट्रोल वाले जो स्कूटर आ रहे हैं वो कीमत में भी 80,000-90,000 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं, जबकि हमारे को स्कूटर, हमने दो ही स्कूटर चोर किए हैं, एक क्रेजी मॉडल है और एक क्रेजी प्रो है। अब वो दोनों मॉडल है वो स्पेसिफिकली जो लोगों को ज़्यादा पैसा, 51,000 से स्टार्ट होती है जिसकी डीलरशिप प्राइस, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 85,000 तक जाते हैं। तो वही रेंज पे जो मिडिल क्लास लोगों को जो छूट गए ये सेगमेंट के स्कूलों से, उन लोगों को टारगेट करके ही स्पेशली स्कूटर वेल क्वालिटी में बनाया गया। अच्छा, क्रेजी और क्रेजी प्रो में कोई डिफरेंट है? क्रेजी प्रो जो है, जो हम लोग ये खड़े हैं, ये क्रेजी प्रो है, इसमें 12 इंच के टायर लगे हुए हैं और इसके अंदर मोटर है 1500+ वॉट की मोटर लगी हुई है। उसके अलावा इसके अंदर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, जैसे जो गाड़ियों में होता है क्रूज कंट्रोल, 1.5 सेकंड अगर आप एक्सीलेटर पकड़ के रखेंगे तो वो अपने आप वो स्पीड पकड़ लेगी कि उसके बाद आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे रोकना है तो आप ब्रेक लगाओ तो फिर से वो शुरू हो जाएगा नॉर्मल स्पीड में। उसके अलावा इसमें आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक है, जो क्रेजी में भी दोनों डिस्क ब्रेक लगी हुई है, क्रेजी प्रो में भी दोनों डिस्क ब्रेक लगी हुई है। इसके बाद इसका जो बूट स्पेस है, जैसे आप देख सकते हैं ये सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट बूट स्पेस है। अच्छा, बूट स्पेस बहुत ठीक है। ये डिकी पूरी है, इसके नीचे बैटरियां लगी हुई थी यहाँ से। अच्छा, मतलब ये पूरी बैटरियां, ये पूरी बैटरियां लगी हुई है, ठीक है। ये सेफ्टी स्विच रखी गई है ताकि स्कूटर में कभी भी कुछ ओवरहीट, पार कुछ भी हो तो ये तुरंत स्विच ट्रिप हो जाएगी, कस्टमर को, चलाने वाले को कभी कोई खतरा होगा नहीं, उनकी सेफ्टी मेन कंसर्न है अपना।
रिमोट की बात करें तो ये रिमोट हमारी गाड़ियाँ इस तरीके से आती है, दो चाबी दो रिमोट के साथ आती है। अब इसमें एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी है, ये स्कूटर लॉक अनलॉक अगर आप बिना चाबी के भी चला सकते हो, ये फीचर स्पेसिफिक फीचर दिया गया है। अगर उससे आप स्टार्ट करोगे तो उससे भी स्टार्ट होगा, चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ये सारे फीचर्स इसके साथ ऑलरेडी इनबिल्ट हम दे रहे हैं जी। उसके अलावा इसके अंदर तीन गियर सिस्टम डाली हुई है हमने, 1 2 3 तीन गियर है, जो जैसे गियर चेंज होगा वो डिस्प्ले में भी दिखाएगा आपको। जैसे अभी तीन, ये एक पे आ गया गियर 1, ठीक है, मैं चेंज करता हूँ गियर 2 आ गया, गियर 3 थर्ड गियर आ गया। तो ये सारी चीज़ें, प्लस ये एक बटन दिया हुआ है हम लोगों ने, असिस्टेंट बटन है, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये बटन दबा के आप एक्सीलेटर करोगे तो बैटरियाँ डायरेक्ट हो जाएगी और आप कहीं भी आप फंस नहीं जाओगे, आप गाड़ी ड्राइव करके वापस आ सकते हो, टेक्निकल कुछ खामियाँ आ गई तो भी। उसके अलावा ये पार्किंग है, ये जैसे कार पार्किंग में आता है चारों साइड लाइट चालू रखे, वो वाला फीचर्स है। फोन है, ये अपर डिप साइड लाइट के साथ है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग ने इसमें करी हुई है। इसमें एक हुक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, चार्जिंग जो है यहीं से होता है, चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगा है अपना। हाँ अच्छा, ठीक है, डिक्की यहीं से खुल जाती है, आपको चाबी निकाल के घुमाने की लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिक्की भी यहीं से सेंट्रल लॉक से खुल जाती है। अच्छा, एक बार चार्जिंग करने में कितना टाइम लगता है इसको? एक बार अगर वो लिथियम वाली बैटरी है तो वो मिनिमम 3 से 3.5 घंटा लेती है, और लीड एसिड बैटरी है वो 2-5 घंटे ज़्यादा लेती है, मतलब 5 घंटे लेती है वो चार्ज करने। अच्छा, एक बार चार्ज करने से वो कितना किलोमीटर मिलता है? जैसे ये जो गाड़ी के साथ अभी हम लोग खड़े हैं ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मतलब टोटल माइलेज देती है, तो समझो कि आप एक बार सिंगल चार्ज किया तो आप 80 किलोमीटर तक जा सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशन में। जैसे और दूसरा क्रेजी के अंदर 3 टाइप के मॉडल है हमारे, और जिसके अंदर बैटरी अलग अलग लगती है तो माइलेज अलग अलग आती है। जैसे कुछ बैटरी लगती है तो 50 से 60 किलोमीटर तक चलती है, उसके बाद वाली हैवी लगाएंगे तो वो 70 से 80 चलेगी, और जो सबसे टॉप है वो 100 से 110 किलोमीटर भी चलती है गाड़ी। तो बैटरी के हिसाब से सारे मॉडल बने हुए हैं। और बैटरी के हिसाब से बैटरी के अंदर जो जेल बेस अपनी लीड एसिड बैटरी है जो इम्पोर्ट होती है उसकी 1 साल की गारंटी है, वो 30 रुपीस रिप्लेस कर देंगे अगर रिप्लेस कुछ भी हुआ तो हम लोग। दूसरा जो लिथियम है वो 3 साल की गारंटी आती है, अगर उसमें कुछ भी हुआ तो वो भी रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा, प्रॉफिट की बात करें तो जो आप एडीसी कहते हैं तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा आपको? एक गाड़ी के ऊपर उनको मिनिमम प्रॉफिट आप पकड़ लो 10,000 से लेकर 20,000 तक का प्रॉफिट मिलता है एक गाड़ी। दोस्तों, एक गाड़ी में 10,000 से लेकर 20,000 तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है डीजल प्राइस की बात करें जी। तो वो डिफरेंट मॉडल पे डिफरेंट डिपेंड करता है कि ये मॉडल लोगे तो 10,000 है, ये लोगे तो 15,000 है, ये तो 18 है, ये तो 20 है। वो वैसे जितने मॉडल हैं उसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जी, मान लो किसी को अगर डीलरशिप चाहिए या अगर वो विजिट करना चाहता है, जैसे जिन लोग घर से दिखा रहे थे वो विजिट करना चाहता है तो क्या वो कर सकते हैं और अपना एड्रेस वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ रहा है हमसे आके मिले, हमारी गाड़ियाँ देखें, उसे टेस्ट ड्राइव लें, उसे चलाए, तो उसे पता लगेगा हम जो बोल रहे हैं वो डिफरेंस क्या है दूसरों की गाड़ियों में, हमारी गाड़ियों में तभी उसे पता लगेगा। हमारा से जो है वर्कशॉप जो है या फैक्ट्री असेंबली लाइन, ये हमारा पूरा अहमदाबाद बेस्ड सेटल है, हमारी ऑफिस प्रहलाद नगर में है और असेंबली लाइन अपना जो स्कूटर जहाँ पे बन रही है ये भी हम लोग अहमदाबाद में ही खड़े हैं। तो अपन नीचे नंबर पे आप फ़ोन करिएगा तो आपको लोकेशन साथ हम भेज देंगे ताकि आगे जाने में किसी को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अहमदाबाद का जो एड्रेस है इनका वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी आपको इसका मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस मिल जाएगा। हम लोग अहमदाबाद गुजरात में खड़े हैं, अपना अहमदाबाद गुजरात से है जो वहीं से बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्रेजी मॉडल है, हम प्रकाश जी से बात करते हैं क्रेजी मॉडल के बारे में कि इनकी भी क्या क्या खासियत है, क्योंकि पहले हमने आपको क्रेजी प्रो बताया था, अब ये क्रेजी है, बहुत ही शानदार दिख रहा है, एकदम रेड कलर का है ये। तो इनकी क्या क्या खासियतें हैं और सोच ही कितना अलग पड़ता है? ये जो नीचे से जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग ये मॉडल लेके शुरुआत कर सकते हैं। ये मॉडल थोड़ा सस्ता वाला है,
जो बाजार में जो भी दूसरे कॉम्पिटिटर है उनसे आप कॉम्पिटिशन कर सकते हो ये मॉडल लेके। और दूसरा, दूसरों के जैसा नहीं है, हमने इसमें भी क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा हुआ है, आगे भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और इधर देखो हमने पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक दिया है। दूसरे लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए आगे डिस्क ब्रेक देते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक देके आपको उनका पैसा बच जाता है और आपको सस्ता मॉडल बेचने का ट्राई किया जाता है। लेकिन हमने क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा है इसके साथ, और ये प्राइस में भी आपको कम रहेगा तो मुनाफा भी आपको अच्छी तरह से मिल पाएगा। अच्छा, और आप हमारे यूज को कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। नहीं, बस और तो ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ अहमदाबाद आ जाइए, फैक्ट्री का विजिट करिए और एक बार पूरा सब कुछ देख के फिर अपने हिसाब से माल वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।